नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रीवा महाविद्यालय में स्टाफ नर्सों के लिए कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर जो भी नए अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिले। तो पहला दोस्तों यह है कि ये स्वसाहसी श्यामा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा है, जो कि एमपी में है। उसमें स्टाफ नर्सों के लिए कुछ पदों की वैकेंसी है। जैसे कि दोस्तों, स्टाफ नर्स के लिए 135 पदों के लिए पद हैं, और इसमें जो पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों, छठवें वेतन के अनुसार स्टार्टिंग पेमेंट 5200 से लेकर 20,200 तक होगी। इसमें दोस्तों पद जो हैं वो कैटेगरी वाइज हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए टोटल 16, अनुसूचित जाति के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और जनरल के लिए 67 है। तो दोस्तों, इसमें अब जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए क्या कहते हैं, जो क्वालिफिकेशन है कम से कम दोस्तों, जैसे कि अभ्यर्थी ने जो है बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स से कक्षा 12वीं पास की हो या किया हो, और दोस्तों 12वीं पास करने के बाद कम से कम बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षण हो, तथा तीसरा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत हो। दोस्तों ये तो वही बात क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी की। और जैसा कि दोस्तों इसका फॉर्म जो है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भराया जाएगा, जो क्या कहते हैं 7/9/2019 तक वैलिड है। दोस्तों अभी कुछ दिन है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसको आप महाविद्यालय की साइट पर www.ssmcriva.com फिर जाकर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, या आप एमपी ऑनलाइन की साइट पर भी जाके देख सकते हैं। थोड़ा नीचे जाने पे दोस्तों मैं आपको इसकी जो आवेदन शुल्क बता दूं, इसमें दोस्तों आपको ओबीसी के लिए और एसटी के लिए और एससी के लिए 350 रुपये है, और जनरल के लिए 700 रुपये फीस है, जो कि एम पी ऑनलाइन से फॉर्म को जमा कर सकते हैं, आप स्वयं भी फॉर्म को भर के जमा कर सकते हैं। यात्रा भत्ता दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता संस्था द्वारा नहीं दिया जाएगा। मतलब दोस्तों जो यात्रा भत्ता होगा वो संस्था आपको नहीं देगी। और इसमें जो कम से कम दोस्तों जो एज लिमिट की बात करूँ, तो एज लिमिट है जो आवेदन करने वाले हैं कम से कम उनकी आय 21 वर्ष होनी चाहिए, और वो मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग की ये 4 जुलाई के अनुसार कम से कम 21 और अधिक से अधिक सामान्य वर्ग 40 साल के होने चाहिए, और एसटी एससी ओबीसी कम से कम अधिक से अधिक दोस्तों 45 वर्ष तक होने चाहिए, उससे ज़्यादा जिनकी एज होगी उनके लिए ये नहीं है। और दोस्तों कुछ है नीचे इसमें, जैसा कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, और जैसा कि ये शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय से उत्तीर्ण बीएससी जनरल नर्सिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, और दोस्तों 300 बिस्तर के शासकीय स्वशासकीय चिकित्सा का अनुभव भी होना चाहिए, उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी, और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए उनको भी 10% दिया जाएगा छूट। और इसमें जैसा दोस्तों ये दोनों हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो और देख सकते हैं दोस्तों भारतीय नियमानुसार आरक्षण रजिस्ट्रार पालन करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नए अपडेट आए सबसे पहले मिले,
और अगली वीडियो में दोस्तों इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है मैं उसको आपको बताऊंगा।